तो यहाँ इस श्लोक में दधीचि मुनि एक तो बड़ा शोक कर रहे हैं, अहो दैन्यम, कि कितनी दीनता है, जो जीव है अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो ये बड़ी निंदा की बात है। तो यहाँ दीनता का मतलब है कि वो इतना निंदनीय है कि वो कुछ भी नहीं, ना तो अपना कुछ भला कर रहा है ना किसी का भला कर रहा है, तो इसको कहते हैं दैन्यम, अहो दैन्यम, कि जीव जो है इसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ, ना तो अपने लिए कुछ कर पाया ना किसी के लिए कर पाया, अहो दैन्यम, अहो कष्टम। और यही असली कष्ट की बात है, सबसे बड़े कष्ट की बात यही है कि मनुष्य का शरीर भी प्राप्त हुआ लेकिन वो ना तो अपना उपकार कर पाया ना दूसरे का उपकार कर पाया। फिर तीन चीज़ें बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो है तीन चीज़ें होती हैं, एक तो है संपत्ति, दूसरा परिवार और तीसरा शरीर। ये तीन चीज़ें हैं और इन चीज़ों की तीन विशेषताएं हैं। एक तो है कि पारक्य, पारक्य माने दूसरों के द्वारा ही भोगे जाएंगे, अगर आप नहीं इसका असली लाभ उठाएंगे तो तीनों चीज़ों का उपयोग जो है दूसरे लोग करेंगे। जैसे कि संपत्ति है, आपने संपत्ति बहुत जोड़ी, उसका अपना लाभ नहीं, दूसरों को भी लाभ नहीं उठा कराया, तो संपत्ति क्या होगा, दूसरा कोई अधिकार कर लेगा, वो संपत्ति जो है कोई दूसरा ले लेगा। और संपत्ति के परिवार, परिवार से भी आपने अगर वास्तव में परोपकार नहीं किया, भगवान के प्रचार में नहीं लगा अपने परिवार को, तो उस परिवार को फिर क्या है, माया देवी अपनी सेवा में लगा लेगी, उसको पारक्य कहते हैं। और तो ये पारक्य है। और शरीर भी, शरीर को भी जो है अगर आपने अपने उपकार में और दूसरों के उपकार में प्रचार में नहीं लगाया, तो ये शरीर है इसको भी जो है या तो कीड़े खाएंगे, दफना दिया जाए कीड़े खाएंगे, या फिर गिद्ध हैं सियार हैं वो खाएंगे। तो ये संपत्ति भी जो है इस प्रकार से पारक्य है। और क्षण भंगुर का मतलब है कि किसी समय नष्ट हो जाएगा, संपत्ति भी है किसी भी समय आपकी चली जाएगी, अगर आपने इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया किसी भी समय नष्ट हो जाएगी। और अपना परिवार भी है, किसी भी समय नष्ट हो जाएगा या परिवार संबंध विच्छेद हो जाएगा। और जो शरीर है वो भी जो है किसी भी समय नष्ट हो जाएगा अगर आप इसका सही उपयोग नहीं करते हैं। फिर अस्वार्थ है, अस्वार्थ का मतलब कि अपने काम आता नहीं है, जैसे कि संपत्ति है, अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं इस संपत्ति को तो आपके जो है और बुरे कर्म बनेंगे, तो आपका जो है स्वार्थ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से परिवार को भी अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो परिवार में भी तनाव पैदा होगा और कटुता पैदा हो जाएगी। उसी प्रकार से शरीर को भी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं तो शरीर भी नष्ट होगा और बहुत सी बीमारियां पैदा होंगी। इस प्रकार से ये तीन चीज़ों में जो है ये तीन विशेषताएं हैं। फिर क्या कहा है कि इन तीन चीज़ों को जो है क्या करें, उपकार, उपकार। तो हाँ, दधीचि मुनि को जो है बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि देवता लोग मांग रहे हैं, तो असुरों की जो है उपकार में नहीं लगाना, कि जो हमारी संपत्ति है या अपने शरीर है तो ये असुरों की जो है सेवा में नहीं लगाना है, देवताओं की सेवा में लगाना है। तो भगवान जो है देवताओं की रक्षा करने वाले हैं और देवताओं के जो है भगवान पक्ष में रहते हैं, असुरों के पक्ष में नहीं रहते हैं। तो दधीचि मुनि जो है अपने सब हर चीज़ को जो है भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, क्योंकि देवता लोग भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद भी जो है इन तीन चीज़ों को जो है प्रचार में लगाना चाहते थे, अपनी संपत्ति भी प्रचार में लगाना चाहते थे, अपनी पत्नी को भी प्रचार में लगाना चाहते थे, चाहते थे कि उनकी पत्नी भी जो है कार्य करे, सीखे और प्रचार में कार्य करे, अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी। जब उन्होंने देखा कि उनकी संपत्ति भी चली गई, उनकी पत्नी भी जो है नहीं सुधर रही और उनके जो बच्चे हैं वो भी जो है अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, तो फिर प्रभुपाद ने जो है अपनी पत्नी है, अपनी संपत्ति, अपना परिवार सब छोड़ करके जो है वो केवल अकेले वो अपने शरीर से जो है आए, विदेश में आए। और फिर प्रभुपाद को जो है भगवान ने असीमित संपत्ति दी, तो जितनी भी संपत्ति थी वो सब प्रचार कार्य में लगाई, मंदिरों का निर्माण करना है या प्रसाद वितरण करना है या पुस्तकों की छपाई करना है, तो इसको जो है असीमित। और अपना परिवार भी लगाया, अब परिवार प्रभुपाद का परिवार क्या है, उनके शिष्य हैं, तो अपने शिष्यों को भी जो है इसी कार्य में लगाया, तो अपना पूरा परिवार कहाँ कहाँ और केंद्र खोलो और प्रचार करो और पुस्तकें वितरण करो। तो प्रभुपाद जो है इस संबंध में बिल्कुल हमारे आदर्श हैं कि अपनी संपत्ति, अपना परिवार, अपना शरीर पूरी तरह से जो है कृष्ण की सेवा में लगाया। हरे कृष्ण।
इंटरेस्ट है।